नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हमारे सीकर में रामलीला मैदान में मैजिशियन आंचल के शो शुरू हुए हैं। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ आज शाम 7 बजे हुआ, जिसमें बहुत सारे सीकर के गणमान्य जन उपस्थित रहे। बहुत सारे संतों का सानिध्य आज इस शो को मिला और इसके बाद में लोगों ने यहाँ पर बहुत ही आराम से बैठकर पूरा शो देखा। बहुत मज़ा उन्होंने किया, बहुत अच्छा उनको लगा और तालियों की जो गड़गड़ाहट है उससे पता चल रहा था कि लोग कितना इसे इंजॉय कर रहे हैं, कितना इसे मज़ा आ रहा है लोगों को इस शो को देखकर। अभी शो के कुछ फुटेज हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ के लोगों से, उनके रिव्यूज़ लेते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस शो में कितना मज़ा आया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, मतलब और मतलब एक्चुअली में सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि मतलब ऐसा एक प्रोग्राम था कि जो कि फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब थ्रिल भी महसूस हुआ, बहुत हंसी ठहाके भी आए, मतलब बहुत अच्छा लगा मतलब प्रोग्राम, और डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। मतलब सीकर में ऐसी चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली मतलब मिस आउट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी लोग हैं सीकर के डेफिनेटली उनको आना चाहिए, बच्चों के साथ आए, अपनी पूरी फैमिली के साथ आए। इट वॉज अ रियली ग्रेट शो। और हमें जादूगर आंचल बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। वापस कभी आएंगे और देखेंगे जरूर, बहुत अच्छा था। ये तो हमारी आधी फैमिली आई, पूरी तो कैसा लगा? हर चीज अच्छी लगी, कैसा लगा हर चीज? बहुत अच्छा लगा हमको। कौन सा एक्ट आपको सबसे अच्छा लगा? और सारे एक्ट अच्छे थे माशाल्लाह। जादूगर आंचल का मैजिक शो देखा, बहुत ही शानदार लगा, दिल एकदम गदगद हो गया और रोमांचक हो गया एकदम पूरा माहौल, मतलब काबिले तारीफ, अप्रिशिएटेबल, मजा आ गया रियली। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया हमें यहाँ पे, बहुत एंजॉय किया, बहुत बढ़िया था। कौन सा एक्ट आपको सबसे अच्छा लगा? लास्ट वाला जो एक वो डांस वाला जो डांस किया वो हमें सबसे अच्छा लगा। पर आपको क्या अच्छा लगा? हुआ बहुत अमेजिंग था और वो डांस वाला अच्छा लगा था ज्यादा, और लास्ट वाला। और लेकिन जो सारे थे ना, एक से बढ़के एक दिए थे, बहुत ही मजा आया हमें यहां पे आके आज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले 25 सालों से शोज कर रही हूँ और काफ़ी जगहों पे शोज कर चुकी हूँ, हिंदुस्तान के 17 राज्य आउट ऑफ इंडिया कर चुकी हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, इंटरनेशनल हमने टीवी शो पे परफॉर्म किया है, पर जो मज़ा अपने लोगों के बीच में परफॉर्म करने में आता है और जो प्यार अपनापन मिलता है ना, वो अतुल्य है। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैंने अपना काम किया, कोशिश की मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूँ। उसके बाद आज का जो रिस्पांस मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बाकी सीकर की जनता मुझे अपने प्यार से बताएगी कि वो मेरी पलकों पर, पलकों कोशिश पर, पलकों पर, मेरी कोशिश कैसी रहती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सीकर के रामलीला मैदान में 6 तारीख से जादूगर आंचल का शो शुरू हुआ है। शो का आज प्रीमियर शो था, बहुत ही शानदार और जानदार रहा। और ये मैदान ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी भी रहा है। पिछले 70 वर्षों से यहाँ रामलीला जैसी, दशहरा जैसे आयोजन हो रहे हैं और इस मैदान में पहले भी 2 जादूगर अलग अलग आए हैं। और 1981 में हमने 3 दिन का जादूगर सम्मेलन करवाया था, उसमें पूरे भारतवर्ष से 154 जादूगर आए थे, उनमें 9 लेडीज भी थी। लेकिन उन सब के होते हुए भी आज का जो जादू का शो था आंचल का, वो देखने लायक था, तारीफ काबिल था। और इसलिए हम इनको शुभकामना दे रहे हैं और इनके शो की सफलता की कामना ईश्वर से करते हैं। हम लोग ने कभी ऐसा मतलब सोचा भी नहीं था कि मैजिक शो ऐसा हो भी सकता है क्या, जबकि मैं आना नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा सच में मैजिक शो देखना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए, अपने बच्चों को, जो हम लोग मोबाइल देते हैं ये सब चीज़ें देते हैं, उससे अच्छा है कि प्रैक्टिकल आप बच्चों को कुछ दिखाओ और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, ताकि हम उनको आगे के लिए कुछ सिखा सकें। ऐसे शो में सबको आना चाहिए, जब तक ये शो चले आप लोग सब आइए देखने। मेरा बस इतना ही कहना है, काफ़ी अच्छा शो था ये, मैं आने के बाद मेरी खुशी बढ़ गई यहाँ। हे बिन जारिए
हे मीठी मीठी, हे प्यारी प्यारी, ये बात थारी रे जस, थारो मन के जमारो अनमोल बात थारी, जय गो माता।